नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु मित्रा। अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है। ब्रिटेन ने अपनी अंतिम उड़ान 29 अगस्त को भरी। फ्रांस साजो सामान लेकर तैयार है और तालिबान अमेरिका को धमकी पे धमकी दे रहा है कि जो डेडलाइन है उस पर अमल हो और अमेरिका निकल जाए। इसी बीच 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच कई बड़ी घटनाएं हुई जिससे अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति को झटका लगा। तालिबान के आने से आई क्राइसिस में लाखों लोग घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर बाहर निकल जाना चाहते। इसी बीच आईएसआईएस के ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका कर दुनिया को हिला दिया जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अमेरिका ने इसका बदला लिया और आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर आईएसआईएस के कई आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच अफगानिस्तान में घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदल रहे। इसी बीच अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और काबुल के कसाई के नाम से मशहूर गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भारत के खिलाफ जहर उगला और कहा है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को भरोसा दिलाए कि वह हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने इमरान खान की तरह भारत से भी अफगानिस्तान में एक गुट का समर्थन करने के लिए माफी मांगी जाए। बीबीसी की माने तो गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भारत को नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही और कहा कि भारत हमें ये भरोसा दिलाए कि वह अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत ने पहले एक समूह का समर्थन किया था। जानकारों की माने तो हिकमतयार का इशारा अपने कट्टर दुश्मन नदन अलायंस की तरफ। गुलबुद्दीन हिकमतयार ने यह भी कहा है कि भारत ने पहले सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया था। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसके लिए वैसे ही माफी मांगे जैसे इमरान खान ने अमेरिका का समर्थन करने के लिए मांगी थी। इमरान खान तालिबान का हमदर्द बनने के लिए अब घूम घूम कर 2001 में अमेरिका का सबसे करीबी साथी बनने के लिए माफी मांग रहे। जानकारी देते चले कि कुछ दिनों पहले भी काबुल के इस कसाई ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। तब उसने कहा था कि भारत को अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। 80 के दशक में सोवियत संघ के हमले के खिलाफ गुलबुद्दीन हिकमतयार सबसे बड़ा मुजाहिदीन बनकर उभरा था। उसने सोवियत सेना के खिलाफ कई बड़े हमले किए। उसके बाद 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हुआ तब गुलबुद्दीन हिकमतयार ने काबुल पर कब्जे के लिए इतने रॉकेट दागे कि उसे रॉकेट आर या काबुल का कसाई कहा जाने लगा। उसके गिराए रॉकेट से बड़े पैमाने पर बेगुनाह लोग मारे गए थे। लेकिन इसी बीच भारत में पढ़े और भारत से सेना की ट्रेनिंग पाए तालिबान के एक नेता ने भारत के प्रति नरमी बरतते हुए बड़ी बात कही। देखना होगा कि आखिर में तालिबान की जीत होती है या तालिबान समर्थित पाकिस्तान की।